आ दोनों तो पती गयो। हाँ पन कोई नती, डांडी अभी तो पती गया ने। यस यस, पर हमारा दिल्ली का सफर तो नहीं पती गयो, और इन दोनों का क्या करें? अरे मोटा भाई कोई चिंता न थी, अभी दो कंधा सुंघावी दो ने तरह ठीक हो जाएंगे। तमे पन निकल पे, आ गई सीरियस प्रॉब्लम छे। इमने तो छे न थोड़ा गरबा में गोल गोल घूम के ने चक्कर आवी गयो छे। हाँ घरवाली, पण मने ना लागे पण मने लागे कि दोनों को बस आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे। आप बस हमें आगे का रास्ता बताइए। अभी तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन, आज रात इधर ही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में ये बात भी फैला देंगे। पण ग्रुप के अंदर एक बात का ख्याल रखना, वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है, उस तरफ कभी भूल से भी मत जाना वो। वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है। गौर पापा आप आ गए। धीरे बोलो बेटा, सब लोग थके हुए ना। पर मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप है। नो बड़ी बिलीव मी पापा, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। ये भी बेटा कोई फायदा नहीं, वो जाग के भी मुझे नहीं देख पाएंगे। पर पापा, पर ऐसा क्यों पापा, वो जाके भी आपको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। सिर्फ आप जानते हो कि मैं दूर नहीं पास हूँ। पर आप मम्मा को क्यों नहीं दिखाई देते? जरूर दिखाई दूंगा बेटा, पर वक्त आने पे। ओके बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम्हें नींद में भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मुसीबत हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी अपने भी मुसीबत बन जाते हैं। अब कारिया उस्ताद तो का मौत का घाट उतार दी और किसी को हम पर शक ना हुई। अरे पापा, बजरंगी अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? है, 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 तू यहाँ क्या कर रहा राजा, तू निकल यहाँ से चल। Where am I? बजरंगी अंकल ये सब हो क्या रहा है? लेकिन एलेक्स को क्यों? ये तो कारिया का इलाका है। Oh my God, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए बजरंगी अंकल जल्दी। ओहो, थोड़ा लेट हो गए, अब कोई फायदा नहीं। Who are you? मैं इस इलाके का बेताज बादशाह हूँ। कालिया, 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 अरे ओ फिर जी उस्ताद, आज मेनू में क्या है रे? उस्ताद एक प्लेट तोता कबाब, एक प्लेट शेरे कुर्मा और एक प्लेट बंदर तंदूरी। हाय हाय, मुंह में पानी आ गया यार, मुंह में पानी आ गया। ये देखो कालिया, तुम हमको अकेला मत समझो, हमरे एक ऑर्डर पे मत बोल। कोई नजर नहीं आ रहा हरामखोर। कालिया अंकल हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, हाँ अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ, फिर जाओ। वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ। Ma!
आ दोनों तो पती गयो। हाँ पन कोई नती, डांडी अभी तो पती गया ने। यस यस, पर हमारा दिल्ली का सफर तो नहीं पती गयो, और इन दोनों का क्या करें? अरे मोटा भाई, कोई चिंता न थी, अभी दो कंधा सुंघावी दो ने, तरह ठीक हो जाएंगे। तमे पन निकल पे, आ गई, सीरियस प्रॉब्लम छे? इमने तो छे न थोड़ा गरबा में गोल गोल घूम के ने चक्कर आवी गयो छे। हाँ घरवाली, पण मने ना लागे पण मने लागे कि दोनों को बस आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे। आप बस हमें आगे का रास्ता बताइए। अभी तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन, आज रात इधर ही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में ये बात भी फैला देंगे। पण ग्रुप के अंदर एक बात का ख्याल रखना, वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है, उस तरफ कभी भूल से भी मत जाना। वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है। पापा आप आ गए। धीरे बोलो बेटा, सब लोग थके हुए ना। पर मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप है। Nobody believes me, पापा। मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। बेटा कोई फायदा नहीं, वो जाग के भी मुझे नहीं देख पाएंगे। पर पापा, पर ऐसा क्यों पापा, वो जाके भी आपको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। सिर्फ आप जानते हो कि मैं दूर नहीं, पास हूँ। पर आप मम्मा को क्यों नहीं दिखाई देते? जरूर दिखाई दूंगा बेटा, पर वक्त आने पे। ओके बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम्हें नींद में भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मुसीबत हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी अपने भी मुसीबत बन जाते हैं। अब कारिया उस्ताद तो का मौत का घाट उतार दई और किसी को हम पर शक ना हुई। अरे पापा, बजरंगी अंकल अब यहाँ क्या कर रहे हैं? है तू यहाँ क्या कर रहा राजा, तू निकल यहाँ से चल। Where am I? बजरंगी अंकल, ये सब हो क्या रहा है? लेकिन एलेक्स को क्यों? ये तो कारिया का इलाका है। Oh my God, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए बजरंगी अंकल, जल्दी। हो, थोड़ा लेट हो गए, अब कोई फायदा नहीं। Who are you? मैं इस इलाके का बेताज बादशाह हूँ। कालिया, 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 अरे ओ फिर जी उस्ताद, आज मेनू में क्या है रे? उस्ताद, एक प्लेट तोता कबाब, एक प्लेट शेरे कुर्मा और एक प्लेट बंदर तंदूरी। हाय हाय, मुंह में पानी आ गया यार, मुंह में पानी आ गया। ये देखो कालिया, तुम हमका अकेला मत समझो, हमरे एक ऑर्डर पे, हमरे एक ऑर्डर पे मत बोल। कोई नजर नहीं आ रहा हरामखोर। कालिया अंकल, हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, हाँ अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ।
फिर जाओ, वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ। माँ, माँ। Oh, my God.